सो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक लाइट हाउस। यहाँ पे मुझको जो जो सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया, एक हॉपर्स, लाइट्स, रिपीटर, स्टोन, सारी चीज़ें मैंने ले ली है। तो यहाँ से जल्दी से जल्दी मैं स्टार्ट बनाना कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं जनरेटर बना लेता हूँ, क्योंकि मुझको एक प्रॉपर लाइट देने के लिए आपने एक जनरेटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मुझे चार हॉपर चाहिए होंगे, ये गलत लग गया, इसको मुझको वापस सही करना पड़ेगा। इसको जल्दी सही करके मैं एक जनरेटर बना के आपसे मिलता। सो यहाँ पे हम लोग जनरेटर बन के स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हम लोग कुछ डाल देते हैं, एक स्टिक डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर प्रॉपर करंट पास होता रहे। अब हम लोग इसके अंदर लगाएंगे एक रेगिस्टोन का कनेक्टर के लिए, फिर उसके बाद आएंगे रिपीटर लगाएंगे इसके लिए। यहाँ पे लग जा, रिपीटर लग गया है। और अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, मतलब यहाँ पे अब अपना मेन बेस हम लोग यहाँ पे अब रेडी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं लाइट का बेस। तो यहाँ पे नीचे में बेस के लिए यहाँ पे कुछ लाइट्स लगा देता हूँ, ताकि कुछ इफेक्ट अच्छा आने वाला है, तो मतलब उसके लिए अच्छा रहे, ताकि क्योंकि प्रॉपर लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक होगी, तो उसके लिए कुछ चाहिए हम लोग को जलने के लिए। तो यहाँ पे अब मेन लाइट्स अपनी लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग की लाइट्स लग चुकी है। अब हम लोग नीचे से यहाँ पे पत्थर लगा देते, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग रिपीटर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लगा लिया है। यहाँ पे मुझको सबसे पहले बनाना होगा रेडस्टोन के, ये रेडस्टोन रिपीटर लगाना होगा, ताकि इन लोगों को प्रॉपर करंट मिल सके। अगर आपको बनाना है तो आप भी इसी तरह सेम बना सकते हो। यहाँ पे मैंने तीन लगा दिए, उनको सारे में यहाँ पे जितने भी है सब में लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सब कुछ लगा चुका हूँ, बस दो तीन बाकी है। और इसी तरह आपको सेम ऊपर वाले में भी बनाना है। और यहाँ पे अब मुझको पीछे से एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे मैं रेडस्टोन लगा सकूँ पीछे। तो यहाँ पे मैं सारे ब्लॉक्स लगाना पड़ेगा, और ये नीचे ज़्यादा नहीं है तो मुझको ऊपर से ही। तो अब हम लोग का काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एक ब्लॉक रह रहा था, हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। अब मैं सारे में रेड स्टोन लगा देता हूँ, ताकि इसको प्रॉपर अब लाइट के लिए करंट मिल सके, क्योंकि वायरिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ कनेक्शन हम लोग का हो गया ख़त्म। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना अच्छा तरीके से लग रहा है। इसी तरह हम लोग इसके दो तीन लाइन्स बना देंगे, ताकि बहुत अच्छा लगने वाला। आप देख सकते हो इसके अंदर कितना तगड़ा लग रहा है। अगर आप भी बनाना चाह सकते हो तो आप भी बना सकते हो। फिर अब हम लोग सेकेंड पे बनाते हैं सेम इसी तरह। अब हम लोग फिर दोबारा बनाएंगे यहाँ पे करंट, बट ये दो ब्लॉक्स को कवर कर सकता है, तो हम लोग को इसके ऊपर डायरेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद वाले लेवल पे हम लोग लगाएंगे, सेम इसी तरह करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसी वाले लाइन पे इसी तरह जैसे मैंने इस पे बनाया है, सेम उसी तरह मैं उस पे ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये दो लाइन को कवर कर लेता है एक रेडस्टोन। जिस तरह से मैंने वहाँ पे नीचे वाले में वायरिंग की, सेम उसी तरह मुझको यहाँ पे भी करनी है सेम बिल्कुल। यहाँ पे मैं पहले ब्रिक्स लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझको वापस से यहाँ पे रिपीटर लगाना है। तो मैं जल्दी जल्दी एक एक करके यहाँ पे रिपीटर के लिए लगा लेता हूँ जगह पे। फिर उसके बाद पीछे के लिए मैं रेडस्टोन के लिए, रेडस्टोन पाउडर के लिए मैं वापस से वहाँ पे लगा दूंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं फिर से वापस यहाँ पे एक लैंप लगा देता हूँ, यहाँ पे अपनी लाइट्स को लगा देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक बेस भी बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रिपीटर यहाँ पे भी लगा देता हूँ। जिस तरह से मैंने नीचे लगाया था उसी तरह मुझको यहाँ पे भी लगाना है। और यहाँ पे मैं डीले दे देता हूँ, दो दो का यहाँ पे डीले देना, ताकि लाइट नीचे से फ्लो होगी तो उसके लिए सही पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं दो दो का सबको डीले दे देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पीछे की साइड पर रेजिस्टर लगा देता हूँ, जैसे मैंने नीचे की तरफ लगाया सेम उसी तरह मुझको यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर ऑलराइट यहाँ पे सारा काम डाल चुका है, कुछ इस टाइप से हो रहा है। अब मुझको यहाँ पे करंट देना है, तो मुझको यहाँ पे कुछ सोर्स बनाना पड़ेगा, ताकि मेरा जो रेडस्टोन है वो ऊपर की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ जुगाड़ तरफ बना रहा हूँ, ताकि यहाँ पे मेरा जो है करंट ऊपर भी चला जाए। तो मैं कुछ ट्राई कर लेता हूँ अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस टाइप से मेरा ये दिख रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हो। कुछ इस टाइप से मेरा फ्लो दिख रहा है, बहुत ही गलत दिख रहा है। शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी, पीछे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद मेरा कुछ ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे मैं ओके कंप्लीट हो गया है मेरा यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से मेरा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया है, आप भी बना सकते हो। बट मुझको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाला जल नहीं रहा। तो एकदम अब सही है, एकदम अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कितना मस्त डीलर दे दिया मैंने, कितना मस्त लग रहा। फिनिश के लिए मैंने साइड में लाइट ग्लो के लिए लाइट्स भी लगा दिए, साइड परमानेंट लाइट लगा दिए, ताकि अगर रात को कोई डीले हो जाता है तो फिर एकदम अच्छा साइज दिखे।